कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आलकम एजुकेशनल चैनल। हम हाजिर हुए हैं आज तो पार्ट थ्री अकाउंटिंग के साथ कंसाइनमेंट का चैप्टर तकरीबन हमारा आज वाइंड अप होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, वो है आपका कंपनी अकाउंट। देखिए पहले मैंने डेप्रिसिएशन का करवाया, दूसरा कंपनी का, दूसरा सॉरी था आपका ये कंसाइनमेंट का, तीसरा कंपनी का। ये करने के बाद जो है ना तो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में अटैम्प्ट हो जाएंगे और गारंटी के साथ 60 नंबर ईजी आ जाएंगे अगर आपने परफॉर्मेंस के साथ अटैम्प्ट किया जैसे मैंने समझाया। उसके बाद दो रह जाएंगे वो भी इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, तकरीबन अच्छे वाले सेम है तो ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। ये देखिए जी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 मार्च 2005 करीम बक्स कंसाइन फ्रो टू द वैल्यू ऑफ ₹6,50,000 एट कॉस्ट ऑफ अफजल सन्स, ठीक है। ही इज एजेंट इन मुल्तान, ठीक है, मुल्तान का रहने वाला था। अब देखिए मैं नरेशन वगैरह पास नहीं कर रहा, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, एंट्री पास कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ गई भी है, जिसको नहीं है तो वो जाके शुरू में देख सकता है। ये जी जब सामान वो सेंड करेगा, मैंने आपसे क्या कहा था, आंखें बंद करके आपको मुझे पहली एंट्री पास करनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, गुड्स सेंड ऑन जो है कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अमाउंट कितनी है, 6,50,000 की, 6,50,000 की, क्लियर। ये जी मेरे पास एक एंट्री पास हो गई है। आप दूसरी पे आ जाएं, दूसरी पे मेरे पास क्या लिखा हुआ, हु एक्सेप्टेड अ 3 मंथ्स ड्राफ्ट फॉर ₹7,80,000 का उसने बिल बनाया जो कि एक्सेप्ट हुआ है। द ड्राफ्ट वॉज जो है डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ ₹13,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो सिंपल सी बात है, एंट्री आप लोगों ने क्या पास करनी है इसकी, ये बिल रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट किधर से, अफजल जैसा। अमाउंट कितनी है, आप देखिए डिस्काउंट के साथ है तो 78 ये आपके पास है, 7,80,000 में से माइनस कर दे 13,000 को, तो डिस्काउंटिंग पे आपका ये बनता है 767777। ये दूसरी एंट्री पास होगी, यहाँ तक समझ आ गई कि सेम ऐसी प्रोसीजर है। सिर्फ एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, अच्छा उसके बाद मेरे पास उसने क्या पूछा हुआ है, कहाँ पर सवाल, ये जी ऊपर है, कह रहे हैं कि करीम बक्स पेड ₹35,000 एज फ्राइट एंड ₹6,500 एज इंश्योरेंस ऑन 30 दिसंबर 2005। अब करीम बक्स आपका कौन था, कंसाइनर है दायरा, और इसके दोनों एक्सपेंस उसने बता दिए हैं। इसमें आप लोगों ने करना है, एक उसकी एंट्री पास करनी है, उसकी एंट्री आपने जो पास करनी है वो क्या है, सिंपल, ये देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट, वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, और कैश अकाउंट। अब मैं आपको बताता हूँ दो एक्सपेंसेस है ना, ये देखिए 35,000 के अंदर आप लोगों ने 6,500 को ऐड कर दें, अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं और एक ही कर लें दोनों को प्लस करके, तो आपका बनता है 41,500। ये जी डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर, ठीक, ये जी तीन एंट्रियाँ पास हो गई हैं आपकी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए जी अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ जी फोर एंट्री पे आ जाए हमारे पास, वो क्या कह रहा है कि अफजल एंड सन्स नोटिफाइड करीम, ठीक है, बक्स डेट 4 और 5 ऑफ द गुड्स हैज़ बीन सोल्ड फॉर रुपीज़ जो है 8,24,000 के, चीज़ों का जो है 4/5 हिस्सा जो है वो क्या हो गया है, वो सोल्ड हो गया, ठीक है, ठीक है, कितना हो गया, सोल्ड हो गया, तो बता रहे हैं कि सोल्ड हो गया। और एंड डेट द सेम एक्सपेंसिस वर जो है 12,100, अच्छा 1/4 हिस्सा जो हो गया। अब पता चल गया है कि यहाँ से है कि पूरा सामान आपका सेल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अगर 4/5 जो है चीज़ें सेल होंगी। अब आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, देखिए टोटल चीज़ें कितनी हैं, 5/5 थी, उसमें से 4/5 क्या होगी, सोल्ड होगी। इसके बाद फिर कितना रह गया, यानी 1/5 जो है वो अभी भी सोल्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है हमने इसके अंदर वर्किंग करनी है अनस्टॉक स्टॉक की। जैसे मैंने आपको पहले कराया था ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भटा आ गया, इसलिए मैंने आपको ये सवाल करवाना ज़्यादा मुनासिब समझा, ठीक है। अब इसकी एंट्री मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ, आपको बात बता दूँगा। लेकिन जो ये वाली एंट्री जो उसने बताई है ना आपकी, कि ये सेलिंग एक्सपेंसिस किसके हैं, ये कंसाइनी के, जी वर्किंग करवा रहे हैं आपको वर्किंग। अब देखें कि वर्किंग हम किस तरीके से आपको करवाएंगे कि आपको समझ आओ, ठीक है, बड़ी इजी तरीके से कराएंगे। वर्किंग फॉर अनसोल्ड
स्टॉक। सिंपल सी बात आप क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, बल्कि आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। कितनी है वो आपको बताते हैं। देखिए 650,000 है, लेकिन ये सारी नहीं बिकी, उसमें से वो कह रहा है कि 4/5 ही सब बिक गया है, बाकी कितना है 1/5। इसका मैंने 1/5 किया तो मेरे पास कितना आ गया 13 लाख, ठीक है। फिर वही चीज़ है, एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके डालने हैं आपने, हमेशा याद रखिए कंसाइनर के डालने हैं। कितने हैं वो आपको बताते हैं, 35,000 प्लस 6,500 को आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड आपने सिंपल करना है, बल्कि मैं बता देता हूँ आपको, यार और इसका भी आपने 1/5 करना है। तो मेरे पास क्या है, पूरे पूरे एक्सपेंसेस का भी हाफ होगा जितना से सॉल्व नहीं किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा जो वैल्यू आपकी सिंपल से आएंगी वो आ जाएंगी 8,300 करके आपको करके दिखाता हूँ। और इनका टोटल किया तो मेरे पास आ गया 8,300। आपको पता है उसमें क्या पुट करना है, हमने सिंपल सा वेजी, आपको क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरीके से आपने ये एंट्रियां पास कर ली है, ठीक है। हाँ जी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जी ये मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन आ गई, सॉरी ये अमाउंट आ रही है, ठीक है। तो ये वर्किंग है, इसको आपने नीट एंड क्लीन करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बल्कि मैं आपको सोच रहा हूँ कि लेजर भी बता दूँ, बाकी पार्टीज तो आप बता ही नहीं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, बहुत सिंपल है और इजी तरीके से। ये देखिए डिटेल्स, आपको तो ज़बानी भी याद हो गया होगा। अब देखिए वो याद हो गया, हमें पता है कि इस साइड पे हमारी क्या आती है, सेल्स आती हैं, इस साइड पे हमारे पास क्या आती हैं, सेल्स आती हैं। एंट्रीज आप देने बैठा रहे हैं, क्या क्या है सिंपल, चलिए यहाँ पहले कर लेते हैं गुड्स सेट्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 6,50,000, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, वो कैश अकाउंट एक्सपेंसेस किसके हैं, कंसाइनी के, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, 35,000 प्लस 6,500। फिर अफजल एंड सन्स, उसकी कमीशंस, ज़ुबानी आपको याद हो जाए कितनी है। फिर अफजल एंड सन्स की एक्सपेंसेस, ठीक है, याद हो, मेरे हाथ से क्लियर हो गया। और यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, अभी जो मैंने आपको एंट्री लिखवाई है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक, वो कितना निकला आपके पास 13, और सेल्स की एंट्री आप क्या पास करोगे, अफजल सन्स, ठीक है। इतनी थी वो सिंपल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है, इन दोनों का मैंने टोटल किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 962,300, ये सेट बड़ी आ रही है, इसलिए दोनों को मैंने वहाँ पर भी लिख दिया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 17, चेक भी करते जाना सादा, 176,300। इसकी एंट्री वो आपने वहाँ पास करनी है, प्रॉफिट
ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ये जी, ये कंसाइनमेंट का चैप्टर आपका हो गया क्लियर। ये आप देख सकते हैं, इसका लेसन मैंने बना दिया है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो आए इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसके शॉप कस्टमर कल आपको मिल जाएंगे, और आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।